तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें समंदर के बीचों बीच एक पानी की जहाज को दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक 60 साल के बुढ़े वोंग को दिखाया जाता है। और यहीं पर हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है जो कि 16 साल की होती है, जिसका नाम चेरो होता है। और यहाँ पर वोंग आने वाले टूरिस्ट से पैसे लिया करता था, जिसकी वजह से वोंग की थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। लेकिन उसे ऐसा करते हुए 10 साल से भी ज्यादा गुजर चुके थे, क्योंकि जब चेरो 6 साल की थी तब से वो यहाँ पर रहता है। और हर बार की तरह इस बार भी इनके बोट पर दो टूरिस्ट आते हैं, और यहाँ आने के बाद वो टूरिस्ट चेरो को छेड़ने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान वोंग उन दोनों पर तीर चला देता है, और ऐसा देखने के बाद ये दोनों डर जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों चेरो को छोड़ देते हैं। तब यहाँ पर एक टूरिस्ट दूसरे टूरिस्ट वोंग के बारे में बात करने लगता है, जहाँ पर वो बताता है कि ये 60 साल का बुड्ढा 16 साल की लड़की से शादी करने वाला है। ये लड़की जैसे ही 17 साल की हो जाएगी वो इससे शादी कर लेगा। और ऐसा सुनने के बाद उस टूरिस्ट के होश उड़ जाते हैं। अब अगले दिन हमें पता चलता है कि वोंग लोगों का भविष्य बताने का भी काम करता है, बल्कि यहाँ पर यह किसी किताब या मंत्र से नहीं, बल्कि उसका तरीका सबसे अलग होता है। इसके बाद वो बोट पर लगे झूले पर चेरो को जाकर झूलने के लिए कहने लगता है, और उसके ठीक पीछे एक बुद्धा की तस्वीर बनी होती है, जिस पर वो लगातार 3 तीर चलाता है। उसके बाद चेरो उन तीनों तीरों को लेकर आती है और उसके कान में कुछ कहती है। उसके बाद चेरो की बात को टूरिस्ट के कान में वोंग बता देता है। अब अगले दिन फिर से दो टूरिस्ट वोंग की बोट पर फिशिंग करने के लिए आते हैं, और यहाँ पर ये लोग भी चेरो को अकेला देखकर उससे मजे लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वोंग उन दोनों पर भी तीर चला देता है, जिसकी वजह से वो दोनों टूरिस्ट नाराज हो जाते हैं, और यहाँ पर ये सब गुस्से में आकर वोंग को उसी की बोट पर बांध देते हैं। और अब ये दोनों चेरो के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन चेरो यहाँ पर जल्दी से तीर लेकर उन्हें ही घायल कर देती है, और यहाँ पर वो वोंग की रस्सी खोल देती है और उन दोनों को वहां से भगा देती है। अब अगले सीन में हम वोंग को कैलेंडर के अंदर क्रॉस लाइन दिखाते हुए देखते हैं, और वोंग ये काम डेली किया करता था, क्योंकि वो अगले महीने की 12 तारीख को चेरो के साथ शादी करने वाला था। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि कुछ और टूरिस्ट भी इनकी बोट पर आते हैं, जहां पर एक जवान लड़का सियोंग भी होता है, और वो वहां पर अपने डैड के साथ आया होता है। सियोंग अपने हेडफोन में गाने सुन रहा होता है, तभी चेरो उसके पास जाती है और उसका हेडफोन लेकर अब खुद गाना सुनने लगती है। तब यहाँ पर सियोंग चेरो के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हेडफोन की वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, और ये सब कुछ वोंग भी देख रहा था, और वो गुस्से में चेरो को लेकर वहां से जाने लगता है। अब अगली सुबह सियोंग जाने से पहले चेरो को अपना हेडफोन दे देता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि उस लड़के के वहां से जाने के बाद चेरो काफी ज्यादा बदल जाती है, और वो पूरा का पूरा दिन गाने ही सुनते रहती थी, और वो इसके अलावा किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती थी। अब चेरो का ऐसा बदलाव देखने के बाद वोंग उससे काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, जिसके बाद वो उसका वॉकमैन तोड़ देता है, जिसकी वजह से चेरो भी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब अगली सुबह हम वोंग को अलमारी के अंदर कुछ कपड़े रखते हुए देखते हैं, और उसे चेरो भी चुपके से देख रही होती है। असल में ये वही कपड़े थे जिसे वोंग शादी में पहनने वाला था, जिसके बाद फिर से एक नया टूरिस्ट इनके बोट पर आता है, और यहाँ पर चेरो वोंग को नीचा दिखाने के लिए उसके पास ही जाकर सो जाती है, और वोंग वहाँ पर गुस्से में आता है और चेरो को वहाँ से लेकर जाने लगता है। दरअसल जब से सियोंग यहाँ से गया था तब से चेरो वोंग से नाराज थी। अब अगली सुबह फिर से बहुत सारे लोग इनकी बोट पर आते हैं, जिनके साथ में सियोंग भी होता है, और ऐसा देखकर चेरो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब सियोंग के वापस आ जाने के बाद चेरो से बहुत सारी बातें करती है, लेकिन वोंग से यह सब कुछ देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और वो गुस्से में आकर सियोंग के ऊपर एक तीर चला देता है। तब चेरो भी गुस्से में आकर उस तीर को उठाकर उसके सामने ही तोड़ देती है। अब रात के टाइम वोंग की जब आँख खुलती है और वो देखता है कि चेरो अब उसके पास नहीं है, तब वो सीधा सियोंग के कमरे में जाता है, जहाँ पर चेरो पहले से ही सो रही होती है। और ऐसा देखने के बाद अब तो वोंग को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और इसके बाद वो सियोंग को एक छोटी सी बोट में बिठा देता है और उसको वहां से जाने के लिए कहता है। तब यहाँ जाने से पहले सियोंग भी गुस्से में बोलता है कि तुमने चेरो को किडनैप करके रखा है, और मैं बहुत जल्दी इसके माँ बाप को यहाँ तक लेकर आऊंगा और इसको यहाँ से लेकर जाऊंगा। और इतना ही कहते ही सियोंग वहां से जाने लगता है। अब सियोंग के वहां से जाने के बाद भी चेरो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वोंग से ऐसा करने से पहले पकड़ लेता है। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि सियोंग फिर से उसी बोट पर वापस आता है, लेकिन इस बात वो चेरो के मिसिंग रिपोर्ट के पेपर्स भी अपने साथ लेकर आता है। अब ये पेपर्स को वो वोंग को दिखाता है, और वो कहता है कि ये पेपर चेरो के माता पिता का है और इसकी रिपोर्ट भी उन्हीं ने दर्ज कराई है। और इसके बाद वो चेरो को भी समझाता है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी इस बुड्ढे के साथ नहीं गुजार सकती। लेकिन तभी एक बार फिर से वोंग सियोंग पर तीर से हमला कर देता है, लेकिन अब की बार चेरो उसके सामने आ जाती है। अब अगली सुबह बोट को ठीक करने के चक्कर में वोंग के सर में चोट लग जाती है, जिसे देखने के बाद चेरो उसकी चोट को छूने लगती है, लेकिन तभी यहीं पर वोंग भी उसे थप्पड़ मार देता है। और ऐसा सब कुछ होते हुए सियोंग भी वहां पर देख रहा होता है। तब यहाँ पर वो वोंग से कहता है कि क्यों ना तुम चेरो का ही फ्यूचर बताओ, जिस पर वोंग उसका फ्यूचर बताने के लिए मान जाता है। अब वो 3 तीर चलाता है, जिसके बाद चेरो उसके कान में आकर कुछ कहती है, और उसे सुनने के बाद वोंग अपनी शादी के सारे कपड़े पानी में फेंक देता है, जिसका साफ मतलब ये पता चलता है कि चेरो का फ्यूचर उसके साथ नहीं था। अब अगली सुबह चेरो चेरो को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी चेरो देखती है कि उसकी बॉडी एक रस्सी से बंधी हुई है, और उसी रस्सी से वोंग फांसी लगा रहा था। और तभी उसके बाद चेरो वोंग के पास जाती है और उसको अपने गले से लगाकर रोने लगती है।
है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वोंग और चीरो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। अब शादी के बाद वोंग चीरो को अपने खुद के बनाए हुए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को सुनाता है, जिसे सुनते सुनते चीरो सो जाती है, जिसके बाद अचानक से पता नहीं वोंग को क्या हो जाता है और वो अचानक से आसमान में तीर चलाकर पानी में कूद जाता है और ऐसा करने के बाद वो मर जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चीरो सोई रही होती है, जिसके बाद वोंग की तीर वापस आकर उसके दोनों पैरों के बीचों बीच गिरती है, जिसके बाद से चीरो बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगती है और उसके बाद वो शियोंग की बोट पर बैठकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वोंग की बोट भी उनके पीछे आने लगती है, जिसके बाद चीरो पीछे मुड़ने के बाद उस बोट को बाय कहती है। और इस मूवी का इसी को दिखाते हुए यहीं पर एंड हो जाता है।